आज मैं आप सभी के लिए कोई कविता नहीं, एक कहानी लेकर आई हूँ, जो मेरी प्रथम प्रकाशित किताब प्रयास से है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जमींदारन, एक कहानी। जमींदार भैरव नारायण सिंह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थे। शांत स्वभाव, सबको साथ लेकर चलने वाले और मुख पर जो अनूठी मुस्कान थी, वाह, सबको उनकी तरफ खींचती थी। पूरा दौलतपुर, उनके आसपास के सभी गांव और उनके बड़प्पन का जितना रुतबा था, उससे कहीं ज्यादा कौसल्या देवी अपनी मनमोहक सुंदरता और गुणों के लिए विख्यात थी। कौसल्या देवी थी तो भैरव नारायण की धर्म पत्नी, लेकिन वो अपने नाम से पहचानी जाती थी। कौसल्या देवी के हाथ के पकवान चखने और उसकी लुभावनी बातों को सुनने अक्सर लोगों का जमावाड़ा लगा ही रहता था। सभी औरतें उनके जैसा बनने की कोशिश में लगी रहती थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर अंदाज और गुण में कोई किसी के आगे खरा उतरा हो, ये ज़रूरी तो नहीं। जहाँ कौशल्या देवी अनेक गुणों के लिए जानी जाती थी और पहचानी जाती थी, वहीं दूसरी तरफ बस एक ही बात लोगों को खाए जा रही थी कि उनकी दो लड़कियाँ थीं और कोई लड़का नहीं था। कौशल्या देवी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भैरव नारायण की माने तो वो कान के थोड़ा कच्चे थे और अपनी जमींदारी को बढ़ाने के लिए लड़के की चाह लिए रहते थे। अक्सर लोगों की बातें उन पर खासा असर करती थी और अक्सर अपनी पत्नी से कहा करते थे, ओ कौसल्या, तुम तो तनिक हमारी बात कान नहीं लगाती हो, हमारी बात क्या होगा हमारी जमींदारी का। इस बात पर पत्नी काट खाने आती और झुंझलाकर बोलती, भाड़ में गई तुम्हारी जमींदारी, कह देते हैं दोबारा बोले तो हमारा मरा मुँह देखेंगे। और उधर दूसरी तरफ कौसल्या को परेशान देखकर मंगलू का बहुत खून जलता था। मंगलू कौसल्या का नौकर था, जो ब्याह में साथ ही आया था। कौसल्या उससे अपनी सभी बातें कहा करती थी। अक्सर कहती थी, देखना तू मंगलू, किसी दिन कुछ ऐसा कहूंगी कि सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। और मंगलू भी पूरी हामी भरता, हाँ मालकिन, हम हो तुम्हारे साथ हैं। एक रात की बात है, शहर के कुछ लोग गांव की तरफ आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी और बरसात भी तेज थी, सो गांव की सीमा से लगे टूटे बंजर मकान में रुक गए। सारे पौ फटने से पहले ही भाग लिए। गांव के कुछ लोगों ने जब उनको रोककर पूछा तो वो डरते हुए बोले, अरे भाई, मकान तो भूतिया है। भूतिया मकान की बातें गांव में चारों तरफ आग की तरह फैली, हर दूसरा यही बात कर रहा था। उसी दिन जमींदार जी का शहर जाना हुआ। निकलते हुए बोले, कौसल्या, हम शहर से दो एक दिन में लौटेंगे, मंगलू को साथ लिए जा रहे हैं। इस बात पर पत्नी तुनक कर बोली, हाँ लिए जाओ, और जो घर में काम है और बच्चियों की देखरेख है, तुम्हारी अम्मा कहेंगी। अब जमींदार जी तो शांत मिजाज के थे तो बोले, अच्छा भाई, गुस्साती काहे हो, मंगलू को रात की बस से भेज देंगे वापस। और इतना कहकर वो शहर के लिए निकल गए। अभी कहानी को विराम देती हूँ, बाकी की कहानी अगले भाग में। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा लिखी ये कहानी कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में अपने सुंदर विचार ज़रूर लिखिएगा। कहानी को इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।